पेप्सी को पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि शायद ये पीपल फार्म की सबसे हैप्पी डॉग है, लेकिन जब मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप ये जान जाएंगे कि ये फार्म पर सबसे बदकिस्मत डॉग है। पेप्सी जब एक महीने की थी तब उसकी माँ लता को हमें ट्यूमर के इलाज के लिए गांव से यहाँ फार्म पर लाना पड़ा था। और यूँ तो बच्चों को अपनी माँ से अलग करना सही नहीं है, लेकिन हम मजबूर थे। लता को कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी जिस वजह से वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी, इसलिए हमने उसके बच्चों को अडॉप्ट करवा दिया। वैसे तो हम हर अडॉप्शन से खुश होते हैं, पर पेप्सी के अडॉप्शन में हम काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि जिन्होंने पेप्सी को अडॉप्ट किया वो उसको ऐसे मांग मांग के ले गए थे जैसे रिश्ते के लिए लड़की को मांग के ले गए, जाते ही वो उनके घर परिवार का हिस्सा भी बन गई। लेकिन जब एक दिन उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिला तो पेप्सी के प्रति उनका रवैया बदल गया और वो उसको यहाँ पे ऐसे छोड़ गए, मान लो ससुराल वाले दहेज की डिमांड ना मीट होने पे नई बहू को मायके छोड़ आते हैं। अब पेप्सी के फेल्ड ऑप्शन का हमें दुख तो बहुत था, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि वो ऐसी जगह से वापस आई है जहाँ उसकी कदर ही नहीं थी। तो हम भी क्यों चाहते कि पेप्सी ऐसे घर में रहती। यहाँ फार्म पर जगह नहीं थी, इसलिए हमारे स्टाफ के कुछ सदस्यों ने अपने घर में, जिसे हम हवेली कहते हैं, उसे वहाँ फॉस्टर करने का फैसला लिया। और यहाँ एक बार फिर से उसकी मुलाकात अपनी बहन मिरिंडा से हुई, जिसे हमारे फार्म मैनेजर प्रतीक ने अडॉप्ट किया था। लेकिन एक दिन मिरिंडा से भी हमें पेप्सी को जुदा करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मिरिंडा को पार्वो हो गया था और ऐसे में पेप्सी का उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। तो किसी तरह जगह बनाकर हमने पेप्सी को फार्म पर शिफ्ट किया, जहां वो अब एक केनल में रहती है। लेकिन इस सब के बाद भी वो मायूस नहीं लगती। वो दिन में एक बार वॉक पर जाती है, तंत्री के साथ खूब खेलती है और अपनी चुलबुली हरकतों से सभी का दिल लगा के रखती है। कुछ लोग खुशकिस्मत पैदा होते हैं और कुछ बदकिस्मती में भी खुश रहना सीख जाते हैं।